दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर तूफान आया सूर्य कुमार यादव का, जबकि सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के गेंदबाजों को दौड़ा दौड़ा कर मारा और मैच इतनी गेंदों में ठोक दिए 275 रन। आखिरकार गाइस आप भी देखना चाहते हैं सूर्य की भयंकर बल्लेबाजी का पूरा वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप में करो या मरो का मुकाबला खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रन स्कोर पर लगाए 4 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा बाबर आजम ने 125 रन की तूफानी पारी खेली, तो वहीं इफ्तिखार अहमद ने भी 45 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब भारतीय टीम जब मैदान पर आई तो भारतीय टीम की शुरुआत काफी खराब रही, क्योंकि दोस्तों 20 रन के स्कोर तक 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तूफान आया सूर्य कुमार यादव का, जबकि सूर्य कुमार यादव ने मात्र 79 गेंदों का सामना करने के बाद 275 रन की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 20 गगनचुम्बी छक्के और वहीं 10 चौके भी शामिल थे, और इस तरीके से 100% हारे हुए मुकाबले को सूर्य कुमार यादव ने भारतीय टीम के लिए जिताकर इतिहास रच दिया। दोस्तों तो प्रैक्टिस मुकाबला था, जबकि असली मुकाबला आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। वैसे गाइस अपनी चुका बताना क्या भारतीय टीम पाकिस्तान की टीम को इस मुकाबले में रौंदने में कामयाब हो पाएगी।